प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने को लेकर वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह देखा जा रहा है। देश सहित प्रदेश में भी बूस्टर डोज लगाने का अभियान 10 जनवरी से शुरू किया गया है। चंबा जिले में भी यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के बाद वरिष्ठ नागरिकों ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि बूस्टर डोज से जहां इम्यूनिटी बढ़ेगी, वहीं वे कोरोना संक्रमण से लड़ने में भी सक्षम हो पाएंगे। चंबा जिला में जहां निरंतर कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है, वहीं लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी तीव्र गति से चल रहा है। इन दिनों 60 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज लगवाई जा रही है और बूस्टर डोज लगवाने आ रहे इन लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ चंबा के कुछ बुजुर्ग जुड़े हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या मानते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है किस तरह सुरक्षित है। मैं इंजेक्शन लगवाने आई हूँ, बूस्टर डोज लगवाई है, अच्छी हूँ मैं, ठीक ठाक हूँ, बढ़िया। इससे पहले भी आप लगवा चुके? इससे पहले लगवा चुकी हूँ मैं, बाकी लोग भी आए और लगवाएं, सरकार दे रही है सब कुछ, तो हमें यूज करना चाहिए इन चीजों को। हमारे साथ कुछ और भी बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि वैक्सीनेशन को क्या मानते हैं, वो कितनी सुरक्षित है। मेरा नाम तिलक है और मैं दो पहले ले चुका हूँ डोज, ये मेरा तीसरा बूस्टर डोज है और सभी को जो है बूस्टर डोज लगाना चाहिए, सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए क्योंकि कोरोना बहुत ही बढ़ रहा है, तो इससे बचाव करने के लिए हमें ये वैक्सीनेशन कराना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, तो ये सभी को नागरिक को करना चाहिए। बूस्टर डोज को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। दूसरा डोज लगने के 10 माह पश्चात ये डोज लगाई जा रही है और इस डोज को लगाने के बाद लोग काफी सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं और सरकार का इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चलाने के लिए आभार भी जता रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए चंबा से विकास ठाकुर।